दोस्तों हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टीम इंडिया के खिलाफ दिया बड़ा बयान, बोले हमारे साथ हुई मैच में नाइंसाफी। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी सब कुछ बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी वजह से आप एशिया कप के सभी मुकाबले लाइव देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का दूसरा मुकाबला रविवार को शाम 7:30 बजे से खेला गया और इस मुकाबले में आपको बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने आई और ऐसे में टीम इंडिया गेंदबाजों ने एक के बाद एक पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाते गए, तो वहीं पाकिस्तान की टीम ने ऑल आउट होकर 147 रन का स्कोर टीम इंडिया के सामने खड़ा करा। तो वहीं आपको बता दें कि इसके बाद फिर टीम इंडिया बल्लेबाजी करने आई और ऐसे में भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी कर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और ऐसे में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 2021 का बदला एशिया कप में पाकिस्तान को हरा कर पूरा कर लिया है। और अब ऐसे में आपको बता दें कि मैच खत्म होने के बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टीम इंडिया को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम इंडिया ने हम लोगों के साथ चीटिंग की है। आपको बता दें कि कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी आउट हो गए थे लेकिन उनको नॉट आउट दिया गया और ऐसे में इसी वजह से हमें इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है बाबर आजम के इस बयान के बारे में और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ चीटिंग करी है या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।